जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोग भी स्मार्ट होते जा रहे हैं, साथ साथ नॉन स्मार्ट टीवी भी स्मार्ट होने की कगार पर आ चुके हैं। जैसे कि जिसका नॉन स्मार्ट टीवी है वो अपने स्मार्ट टीवी बनाने के लिए वो लगाता है स्टिक, तो बहुत सारी स्टिक इस टाइम अवेलेबल है। मैं बात करने वाला हूँ इस टाइम मी फायर टीवी मी टीवी स्टिक की, तो मी टीवी स्टिक की बात करने वाला हूँ। और तो इसके ही कॉम्पिटिशन में एक और नया प्लेयर अपनी मैदान में उतर रहा है, वो है अमेजोन फायर टीवी स्टिक लाइट। तो वो एक अलग सा वीडियो बनेगा उसके लिए, लेकिन मैं अगर इसकी बात करता हूँ तो इसमें जो मुझे प्रॉब्लम फेस करने को मिली मैं वो आपको बता रहा हूँ। शायद हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले, मुझे क्यों प्रॉब्लम फेस करने को मिली मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है, मेरे पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है। मैं सिंपली अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से इसको प्लग इन करके इसमें हॉटस्पॉट कनेक्शन लेकर मैं ही इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इसमें मुझे सर्च करने में कुछ चीज़ों को सर्च करने में और क्रोमकास्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मुझे, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। OTT प्लेटफॉर्म सारे अवेलेबल हैं इसके ऊपर, जैसे कि आप प्राइम वीडियोस देख सकते हैं, हॉटस्टार देख सकते हैं, Zee5 देख सकते हैं, रूट देख सकते हैं। तो वैसे ही इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली है, लेकिन अगर आपको अगर लेना ही है तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको सिर्फ नॉर्मली आपको स्ट्रीम करना है, जैसे OTT प्लेटफॉर्म हो गए आपके अमेज़ॉन प्राइम और हॉटस्टार, वूड, जी और डिस्कवरी प्लस जैसे कुछ एप्लीकेशन आपको देखना है, साथ साथ आपको न्यूज़ भी देखना है, उसके अंदर आपको यूट्यूब भी चलाना है, यूट्यूब के अंदर आपको वीडियोस भी देखना है, इसकी आपके बच्चों के लिए चाहिए ये चीज़ें चाहिए, तो आप बिल्कुल इसे ले सकते हैं। ये 2700 रुपये का आइटम आपको मिल जाता है, ये आइटम जो आपको 2700 रुपये का आपको देखने को मिल जाता है। तो बस इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये थोड़ा सा कनेक्टिविटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, क्योंकि मैं अगर सर्च कर रहा हूँ हेलो मुझे दिखा दो भैया ये सब, तो वो थोड़ा सा दिखाने में थोड़ा सा डिले कर देता है, या कई बार तो आवाज़ सुनता ही नहीं भैया, परेशान कर देता है। और साथ साथ इसमें यह है कि इसका थोड़ा सा मुझे क्रोम कास्ट करने में प्रॉब्लम जा रही है, हो सकता है मेरे पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है इसलिए प्रॉब्लम जा रही है। अगर आपके पास यही ब्रांड का अगर आपके पास है इस टाइम अवेलेबल है तो प्लीज़ कमेंट करिए, अगर आपको भी यही प्रॉब्लम जा रही है तो बताइएगा। लेकिन मेरे को पर्सनली ये प्रॉब्लम जा रही है कि इसके अंदर मेरे को क्रोम कास्ट करने में, अपने मोबाइल को क्रोम करने में, मीरा कास्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिली, थोड़ी नहीं पूरी प्रॉब्लम भैया हो ही नहीं रहा है, पूरी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। और इसके अंदर एक तो एक्सटेंडेड वायर नहीं मिलता और साथ में बैटरी भी नहीं मिलती है रिमोट की, आपको उसका जुगाड़ करना होगा। अगर आपके जो जो पीछे जो टीवी के पीछे इसको स्टिक को लगाने की लगा अच्छी जगह नहीं है तो आपको वायर तो मंगवाना होगा, वो भी एक्स्ट्रा वायर लेना होगा, तो इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि वायर 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 हो जाते हैं, तो एक्सटेंशन नहीं मिलता है इसमें। और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है अभी तक, मुझे 14 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इसको यूज़ करते करते, और इसको मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली, एकदम स्मूथली चल रहा है, 1 GB की रैम होने के बाद भी चल रहा है। अगर 2 GB की रैम होती तो और ज़्यादा स्मूथ हो जाता, थोड़ा सा लेगीनेस लगता, आपको लैग लैग सा लगेगा, थोड़ा सा सुस्त सुस्त सा लगेगा ये डिवाइस, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा। आराम से आप इसको 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे चला सकते हैं। अभी भी मेरे घर हॉल के अंदर ये डिवाइस चल रहा है लगभग 6-7 घंटे के ऊपर हो चुका है, लेकिन कंटिन्यू मैं इसको देख रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई प्रॉब्लम फेस करने के भी नहीं मिली है, कोई हीटिंग प्रॉब्लम नहीं आई है और ना ही कोई लैग आ रहा है। तो आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा मोड़ा लैग देखने को मिलता है, लेकिन इसके लिए इतनी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगी। तो हो सके तो अगर आपको लेना ही चाहते हैं ये वाला प्रोडक्ट तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। आपको लिंक अगर चाहिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है काफ़ी बेहतर है बाकी स्टिक्स है, सस्ता मिलता है, क्योंकि इसलिए सस्ते की बात करता हूँ, 2799 रुपये का मिलता है। और अगर मैं बात करूँ बाकी स्टिक्स के तो लगभग 3000 रुपये से मिलते हैं, आपको 300 रुपये सस्ता मिल जाता है ये। और क्या, गूगल असिस्टेंट है, पावर्ड बाय गूगल है, एंड्रॉयड 9 है, 1 GB की रैम है, 8 GB की रोम है, अवेलेबल मिल जाती है आपको 5 GB। तो भैया आपको सब कुछ इसी डिवाइस के अंदर मिल जाता है, अगर सस्ता सुस्ता सुंदर टिकाऊ और दिखने में भी शानदार चाहिए, वैसे दिखने में जैसा भी हो टीवी के पीछे ही चौंकना है, तो बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं। लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, या आप जाएं सीधे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे और वहाँ से आप बिल्कुल से देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलता है तो आप जाइए अपने मी की वेबसाइट पे, या मी की वेबसाइट जाने शाओमी की वेबसाइट पे जाइए, या उसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए mi-store.com, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल अच्छा प्रोडक्ट है, टिकाऊ सुंदर एकदम झकास प्रोडक्ट है, बिल्कुल आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे बॉक्स तो सिमिलर इसको मी फायर स्टिक जैसा ही दिखता है, लेकिन डिफरेंस है,
अगर आपके पास है अवेलेबल पैसा है आपके पास, अगर आप ज़्यादा पैसा नहीं कमाना चाहते, आप 3,000 से ऊपर नहीं जाना चाहते, तो बिल्कुल जा सकते हैं। ऊपर से फुल HD क्वालिटी में आपको TV दिखा सकता है, वीडियो दिखा सकता है, तो बिल्कुल जाइए, इसको ले लीजिए और अपने TV को, नॉन स्मार्ट TV को स्मार्ट बनाइए। मैं आपको मिलूंगा और किसी वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय।